ये हम इसको अब कंक्लूड करेंगे फटाफट, ठीक है? कुछ ज्यादा ही टाइम टाइम ले लिया, पता नहीं कैसे इसमें टाइम ज्यादा लग गया। एनीवेज, ओके, स्टॉप योर डिस्कशंस एंड स्टॉप योर टॉकिंग्स नाउ, प्लीज कम टू द पॉइंट, फोकस हियर, फोकस हियर। इन प्रीवियस क्लास इनसाइड द टेबल वी हैव कंप्लीटेड सीरियल क्रॉप्स पल्सेस ऑयल सीड्स, ठीक? टिल द टॉपिक ऑयल सीड्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, एम आई राइट? यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। Today we are going to start our topic from beverage crops. Oilseeds we have already completed, my dear, in the previous class. Oilseeds के बारे में लिखना नहीं है आपको, उस टेबल में लिखना नहीं है, ठीक है? Oilseeds में बता चुकी थी, as pulses are cultivated, it's okay. Once again I am giving you, no issue. Just look in, listen to me. As we have discussed today. Pulses are cultivated during the Rabi and Kharif. There are some type of pulses which are cultivated during the Kharif time period. There are some pulses which are cultivated during the Rabi time period. In the same way, oil seeds are there. There are few oil seeds which are cultivated during the Kharif time period. For example, tiljisko hum log tilkehte hain, soyabean and sunflower, seeds of sunflower. They all are cultivated during the Kharif time period. It's okay. Even groundnut, they are cultivated during the Kharif time period. But during the Rabi season, mustard, rapeseed, जिसको हम लोग तीसी कहते हैं अपने यहाँ पर, they are cultivated during Rabi season. इनकी खेती कब की जाती है? Rabi season में की जाती है। खरीफ में आपका तिल हो गया, मूंगफली हो गया, सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन हो गया, ये आपके खरीफ के ऑयल सीड्स हो गए। और रबी के ऑयल सीड में आपका सरसों और तीसी, ये आपके रबी के हो गए। इसके साथ साथ रबी क्रॉप में एक और आपका आता है कैस्टर सीड्स, आपका कैस्टर ऑयल भी मार्केट में आता है, विच इज यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज एज वेल एज फॉर द कॉस्मेटिक पर्पज। कैस्टर ऑयल को खाया नहीं जाता है, कैस्टर ऑयल इज यूज इनसाइड द मेडिसिन टू प्रिपेयर ऑइंटमेंट्स, मलहम वाले जो मेडिसिन होते हैं, ट्यूब वाले, ठीक है, जो स्किन से रिलेटेड या ऊंट वगैरह घाव वगैरह पर लगाने वाला जो होता है आपका, उसको बनाने में कैस्टर ऑयल का यूज होता है। प्लस कैस्टर ऑयल का यूज आपके कॉस्मेटिक आइटम्स में होता है, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। अब तो दीज आर द डिफरेंट सीड्स विच आर कल्टिवेटेड इन अवर कंट्री, and India is one of the leading country in the world in the production of oil seeds. Oil seeds ka production bahut zyada aata hai, and it is a country which is utilizing also, consuming also oil in large amount. Baaki countries mein oil ka consumption itna nahi hai jitna hamari country mein hai. That's why we are producing different types of oil seeds. Is it fine? Only this much is given. इसके बाद आपका ग्राउंडनट का दिया हुआ है बुक में, और कौन सा दिया है? मस्टर्ड है। ग्राउंडनट इज द एग्जांपल ऑफ खरीफ, मस्टर्ड इज द एग्जांपल ऑफ रबी। दैट्स व्हाई दीस टू आर गिवन। जैसे पल्सेस में आपका अरहर और ग्राम का दे दिया था, तुअर और ग्राम का, तुअर आपका खरीफ, ग्राम आपका विंटर्स, रबी। इन द सेम वे आपका ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, जिसको हम पीनट भी कहते हैं, ग्राउंडनट जब वो कवर के अंदर है, कवर के बाहर आ गया, तो वो कहला गया आपका पीनट, मूंगफली, ठीक है? मूंगफली हम दोनों ही केस में कहते हैं हिंदी में, जब वो कवर के छिलके के साथ होता है तब भी, बट जब वो छिलके के साथ होता है तो दैट इज कॉल्ड बाय ग्राउंडनट। इसका छिलका जब उतर जाता है, सिर्फ इसके जो दाने बच जाते हैं, तो इट इज नोन बाय पीनट। फाइन इट इज। चलिए, तो नट्स ओके केशव, फाइन इट इज। ऑयल सीड्स लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड।
Now we are moving towards another important, and now please open your table and write down about beverages crops. Two crops are given here, that is tea and coffee. And the both crops are not the native crop of India. ये दोनों के दोनों जो हैं चाय और कॉफी हमारे कंट्री का नहीं है. सुन रहे बात को? आप लोग आपस में बात करना बंद करिए. ये चाय और कॉफी दोनों के दोनों हमारे देश का नहीं है. ये दोनों ही क्रॉप दूसरे देश का है, बाहर का है. एंड इट वॉज ब्रॉट इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम पीरियड. कब लाया गया था इनको? कॉलोनियल टाइम, यानी कि ब्रिटिश टाइम पीरियड, जब कॉलोनीज डेवलप हो रही थी वर्ल्ड में. तो इन अवर कंट्री द कॉलोनी वॉज वेल डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स. क्या प्रॉब्लम हो गया? यस, सेकेंड बेंच. इज इट फाइन? मे आई डिक्टेट? तैयार हैं आप लोग? चलिए. तो चाय और कॉफी ये दोनों ही जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया पौधा है जो हमारी कंट्री का नहीं है. लेकिन आज की डेट में हम दुनिया में इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज टू डिफरेंट क्रॉप से वी आर लीडिंग. हम एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. इट्स ओके. टी का पौधा चाइना से लाया गया था और कॉफी का पौधा हमारी कंट्री से, अरेबियन कंट्री यमन से लाया गया था. कहाँ से लाया गया था? यमन से. चाय का पौधा चाइना से और कॉफी का पौधा यमन से. सॉरी, यस, ब्रिटिशर्स हैज ब्रॉट. इट वाज ब्रॉट बाय ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ओनली इट वाज ब्रॉट. क्योंकि जब ब्रिटिशर्स चाय पहले ट्रेड किया करते थे, जब चाइना के साथ इनका ट्रेड बंद हो गया, जब चाइना के रूलर ने इनको आने से बंद कर दिया, तब वो किसी तरह से वहां से उन पौधों को किसी तरह से मैनेज कर लिया, पौधों को लाके इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन में उसको कल्टीवेट किया. इट वाज सक्सेसफुल. और तब से लेके आज तक चाय के बागान आपको अलग अलग एरियाज में, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम आसान, आफ्टर दैट इट रीच टू द वेस्ट बंगाल. टुडे इट इज कल्टीवेटेड इवन इन बिहार ऑल्सो. किशनगंज के उन अपलैंड एरियाज में जो स्लोपी एरिया है उन एरियाज में भी चाय की खेती है. और इन साउथ इंडिया, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक, दीज आर द एरियाज वेयर टी इज कल्टिवेटेड. चाय की खेती इन सब में होती है. बट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दार्जिलिंग. बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी दार्जिलिंग. बट द हाइएस्ट क्वांटिटी प्लस क्वालिटी आसाम. हाइएस्ट क्वालिटी प्लस क्वांटिटी आसाम. हमारे कंट्री में जितना चाय होता है उसका 50% अकेले आसाम में होता है. लेकिन हमारे कंट्री की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो टी होती है वो दार्जिलिंग में होता है. इट्स ओके, इज इट फाइन? प्लीज टेल मी. चलिए, चाय का मैक्सिमम वी आर एक्सपोर्टिंग. चाय का मैक्सिमम पार्ट हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट कर देते हैं. जितनी गुड क्वालिटीज होती हैं उसका हमारा 95% एक्सपोर्ट हो जाता है. ठीक है. और हम लोग जो चाय पीते हो, जो अपने घर में देखते हो, दैट इज द वर्स्ट क्वालिटी, सबसे बेकार वाला था. जितना बारीक फाइन उतना बेकार क्वालिटी. जितना प्योर चाय वो बिल्कुल लीफ के फॉर्म में होता है. जो कभी कभी आप ब्रुक बॉन्ड, ताज, इन सब कंपनीज के जो लीफ वाला लेते हैं, दैट इज एक्चुअली ओरिजिनल टी. दैट इज ओरिजिनल टी. उसके रैपर को खोलेंगे तो उसका जो अरोमा निकलेगा वो स्मेल के साथ आपको लगेगा कि आपको फ्रेशनेस फील हो रहा है. दैट इज एक्चुअली. और रियल टी जो होता है, जो ओरिजिनल टी होता है, वो कभी भी दूध में नहीं बनता है. दूध में बनाने पे उसका रियल फ्लेवर खत्म हो जाता है. उसका रियल फ्लेवर लेना है तो आप लेमन के साथ बनाइए. और अगर आप दूध में बना रहे हैं तो उसका बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी, जो ब्रिटिशर्स लोग पीते हैं कि ऊपर से 1 स्पून 2 स्पून मिल्क ऐड कर दिया, हो गया. दैट इज द रियल मेथड. लेकिन वो चाय अगर हम लोग को मिल जाए तो हम लोग बोलेंगे क्या है, बेकार है, पानी वाला चाय है, क्योंकि हम लोग चाय नहीं पीते हैं. ठीक है, हम लोग एक्चुअली चाय नहीं पीते हैं. एनीवेज, तो दिस इज अबाउट ऑल इंडियंस. दिस इज अबाउट ऑल इंडियंस. नाउ कमिंग टू द टॉपिक,
टी इज द क्रॉप है, चलिए आ जाइए इस टेबल में लिखिए, टी इज द क्रॉप विच इज कल्टिवेटेड इन बोथ सीजन. इसका कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है, रवि खरीफ, इट इज कल्टिवेटेड इन बोथ सीजन. सो प्लीज राइट कंप्लीट द टेबल. नेम ऑफ द क्रॉप टी, नेम ऑफ द क्रॉप टी. व्हाट हैपेंड केशव? नेक्स्ट पेज में आ जाइए, ठीक है बाद में बना लीजिएगा फेयर में, अभी रफ में कहीं लिख दीजिए. नेम ऑफ द क्रॉप टी, क्रॉपिंग सीजन बोथ रवि एंड खरीफ, क्लाइमेटिक कंडीशन वार्म एंड मॉइस्ट, वार्म एंड मॉइस्ट. इसको बहुत हैवी रेनफॉल की जरूरत नहीं है लेकिन रेनफॉल की जरूरत है, ठीक है. चाय के उपज के लिए ऐसा नहीं है कि उसको 200 सेंटीमीटर होगा तभी होगा, लेकिन उसको रेनफॉल चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए. इट्स ओके, तो इन रेनफॉल यू कैन मेंशन 100 सेंटीमीटर. इसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा? सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, रेड सॉइल, इवन लेटराइट ऑल्सो, लेटराइट, रेड फॉरेस्ट. अलुवियल में चाय नहीं होता, फॉरेस्ट पहाड़ी एरिया में ही आपका होगा, जहां पे आपका फॉरेस्ट सॉइल होगा. लेटराइट एंड रेड. टेम्परेचर 20 to 25, टेम्परेचर 20 to 25, 100 सेंटीमीटर. ज्यादा भी हो तो ठीक है लेकिन 100 सेंटीमीटर चाहिए, उससे कम में नहीं हो पाएगा. हाँ 100 एंड अबव यू कैन से दैट, इट्स ओके. एंड इट नीड रेनफॉल एवरी डे, इनको डेली रेनफॉल चाहिए. एक आध दिन कभी स्किप होगा तो हो, लेकिन चाहिए तभी उसकी लीफ फ्रेश और वो अच्छी बनी रहेगी, अदरवाइज उसकी लीफ की क्वालिटी खत्म. एक बार वो लीफ हार्ड हो गई चाय नहीं हो पाएगा. इट्स ओके. आफ्टर दैट व्हाट इज द कॉलम सेकंड आफ्टर चाइना? सेकंड आफ्टर चाइना, चाइना जो नेटिव है जहां का वो फर्स्ट, वी आर सेकंड. एरियाज राइट नाउ हैव गिवन यू आसाम, वेस्ट बंगाल, आसाम वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु केरला, तमिलनाडु केरला, फोर डिफरेंट स्टेट्स. इट्स ओके, टी इज क्लियर. नाउ कम टू कॉफी, राइट अबाउट कॉफी. कॉफी खरीफ, कॉफी का सीजन क्या है? खरीफ. कॉफी खरीफ, सॉइल रेड एंड लेटराइट, रेड एंड लेटराइट. कॉफी का आपका सॉइल हो गया रेड एंड लेटराइट. आफ्टर दैट क्लाइमेटिक कंडीशन वार्म, वार्म ओनली यू राइट वार्म. क्लाइमेटिक कंडीशन वार्म. टेम्परेचर 25 to 28, 70 to 90, रेनफॉल 70 to 90. लास्ट बेंच श्रेष्ठ एंड प्रियांशु आर यू राइटिंग? Temperature 25 to 28, rainfall 70 to 90, area position, no we are not second, ha 7th or 8th we are. ओके, नो नीड टू फाइट, नो नीड टू फाइट, ठीक है. सेवंथ या एट, कुछ भी, सेवंथ ऑब्लिक एट कर लो. किसी किसी पूछ बुक में एट भी लिखा हुआ बेटा, इसलिए बोथ इज करेक्ट. सेवन ऑब्लिक एट कर लीजिए. पोजिशन, एरियाज कर्नाटक, एरियाज कर्नाटक, आफ्टर दैट केरला एंड तमिलनाडु. इसका कोई चौथा स्टेट नहीं है. इट्स ओके, कॉफी का कोई चौथा स्टेट नहीं है, यही तीन स्टेट है. कर्नाटक लीडिंग, मेनली होता है आपका कर्नाटक में कॉफी,
लेकिन कुछ आपका तमिलनाडु और केरला में भी होता है. इट्स ओके. कॉफी ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड. अच्छा, इंडिया इज नोन, लिसन, ऑल्दो वी आर कीपिंग पोजिशन 7th or 8th, बट इंडिया इज नॉट फॉर द, इट इज नोन इन साइड द इंटरनेशनल मार्केट फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफी. अरेबिका क्वालिटी, अरेबिका सबसे बेस्ट क्वालिटी कॉफी की होती है और इंडिया में वही क्वालिटी सबसे ज्यादा कल्टिवेट होता है खरीफ. क्लाइमेटिक कंडीशन वार्म, ठीक है, ठंड वाला नहीं चाहिए मौसम इनको, गर्माहट ही चाहिए. तो दिस इज अबाउट कॉफी. कॉफी का फ्रूट जो होता है वह रेड कलर का होता है, लेकिन उसके फल को लोग नहीं खाते हैं. उसके बाद फिर इसको जो बीज होता है उसको रोस्ट किया जाता है. रोस्ट करने के अंदर से उसका जो है दाना निकलता है, उसी दाने से को क्रश करके कॉफी बनता है. कोको दूसरा होता है, कॉफी अलग है, कोको अलग है. कोको का जो फ्रूट होता है वो येलो कलर का, इतना बड़ा सा आम की तरह देखने में आपको दूर से लगेगा, कोको का फ्रूट वैसा होता है. साउथ इंडिया कभी जाओगे, केरला कर्नाटक, तो आपको वो फ्रूट मिलेगा, वो कोको का. हाँ, वो कॉफी से नहीं है, वो कोको है. उसमें कोको से बनता है वो कोको पाउडर, और उस फ्रूट के अंदर बड़ा बड़ा सीड होता है, इतना बड़ा बड़ा बीज होता है, उसके अंदर से जो गिरी निकलती है कोको, उससे बनता है कोको पाउडर, उससे बनता है. ठीक है, उस फ्रूट का नाम अभी मैं भूल रही हूँ, पीला पीला, उसको फल भी खाया जाता है. उसकी स्लाइस निकाल के, जैसे हमारे यहाँ पर पाइनएप्पल वगैरह आजकल मिल रहा है ना, अगर आप साउथ इंडिया जाओगे भी तो वही कोको के फ्रूट को कट करके उसके स्लाइस बना के उसके अंदर काला नमक के और लाल मिर्च का पाउडर स्प्रेड करके वो देंगे खाने के लिए, वो मिलता है. और उसी के बीज को लोग स्टोर करके रखता है, उसके बीज को फोड़ने से जो अंदर से गिरी निकलती है, जो नट निकलता है, उसको क्रश करके कोको पाउडर बनाया जाता है. तो कोको और कॉफ़ी दो चीज़ है. कॉफ़ी की सीड्स छोटी होती हैं और कोको की सीड से बड़ी होती हैं, दोनों एक नहीं है. ठीक है, इसीलिए आपका वो कॉफ़ी और कोको दोनों लगता तो लगता कि एक ही चीज़ है. नो, बट दे आर द टू डिफरेंट थिंग्स. और दोनों के टेस्ट में भी डिफरेंस होता है. कोको का टेस्ट डिफरेंट होता है. कोको जब आपका किसी की चीज़ में जाएगा तब उसके अंदर फ्लेवर आएगा, अदरवाइज उसका टेस्ट बिल्कुल वो होता है. और कॉफ़ी का टेस्ट कम्प्लीटली डिफरेंट होता है. ठीक है, कॉफ़ी का भी हार्ड होता है, हाँ, बट आई लव ब्लैक कॉफ़ी without milk, without anything, direct. Anyways, yes, I like it. Anyways, now coming to the next. Coffee written, all of you? Like this, we have completed our beverages. It's okay now? Coming to now fiber crops. अब हम लोग किस टॉपिक पे जा रहे हैं? We are moving towards a fiber crop से. अच्छा, एक चीज, please. Give attention. हमने beverages में दो चीज किया, टी एंड कॉफी. टी जो है, इफ यू हैव सीन केयरफुली गर्ल्स एंड बॉयज, टी इज मेनली कल्टिवेटेड इन, जो आपकी अच्छी क्वालिटी के या ह्यूज अमाउंट में जो टी है वो नॉर्थ ऑफ इंडिया में होता है. लेकिन कॉफी जो है इसके जस्ट अपोजिट साउथ में हो रहा है. इट्स ओके, ठीक है ना? डायरेक्शन याद रखिएगा, मैप में आसान हो जाएगा लोकेट करना. यस माय डियर बॉयज, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिए, आपस में मेरे एब्सेंस में करिएगा. चैप्टर 4 मैं पढ़ाई थी, मैं पढ़ा चुकी हूँ बेटा. यहाँ आप लोग बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में सारे चैप्टर्स इसलिए पढ़ा रही हूँ, कोई भी चैप्टर मैंने छोड़ा नहीं है. वो इसलिए नहीं क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड से हैं, तो आपने एनसीईआरटी न्यू एडिशन लिया होगा इसलिए वो हट गया है. कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, आपने माइग्रेशन उस बुक से पढ़ा है ना, हो जाएगा. बोलो, इट्स ओके ना? तो नॉर्थ डजंट मीन्स ये जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ डजंट मीन जम्मू एंड कश्मीर,
नॉर्थ ईस्ट ओनली। मैंने अभी अभी जब आपको आसाम दार्जिलिंग लिखाया, शालिनी मैडम, जब मैंने टी में अभी अभी आसाम और दार्जिलिंग लिखाया, तो आप जम्मू कश्मीर क्यों जा रहे हो? ऑल्दो नाउ अ डे इट स्टार्टेड कल्टिवेटिंग इन हिमाचल प्रदेश ऑल्सो, बट देयर क्वान्टिटी इज वेरी लेस। चलिए आ जाइए, छोड़ दीजिए अब इस टॉपिक को, हो गया, ज़्यादा खींचेंगे तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू द फाइबर क्रॉप्स, इन फाइबर क्रॉप्स वंस अगेन दे आर द टू क्रॉप, वन इज कॉटन एंड अनदर वन इज जूट, अनदर वन इज जूट। वंस अगेन टू डिफरेंट डायरेक्शंस, कॉटन इज कल्टिवेटेड इन द वेस्ट ऑफ इंडिया और ऑल द कॉटन मिल्स आर फाउंड देयर, जूट इज कल्टिवेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, इजंट इट, ओडिशा, बिहार, ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, कॉटन इज अ क्रॉप ऑफ खरीफ, कॉटन इज अ क्रॉप ऑफ खरीफ, जूट इज अ क्रॉप ऑफ वंस अगेन खरीफ। कॉटन एंड जूट बोथ आर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग खरीफ। चलिए कॉटन का लिखे नाम और टेबल कंप्लीट करिए। नेम ऑफ द क्रॉप कॉटन, सीजन खरीफ, सॉइल ब्लैक, व्हाट हैपेंड शालिनी, क्रॉप कॉटन सीजन खरीफ, सॉइल ब्लैक, आफ्टर दैट क्लाइमेटिक कंडीशन warm and dry, warm and dry, warm and dry, temperature 21 to 25, rainfall 70 to 90, that is enough, or less than 100 centimeter, anything you can write. If you will write less than 100 centimeter, that will be also considered correct. It's okay. After rainfall, position. Achha, there was a time when India was number one position, but India, nowadays India is not in number one position. We raised on second position. First position, now Africa is there. Huh? China, it's okay. It's okay. It's okay. Position second. Areas, Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Karnataka. Just major states I have given you. Hai udhar bhi, lekin udhar kam hai. Major states. Jaruri nahi hai, sara hi likhe. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, इट्स ओके, कॉटन कंप्लीटेड, रेस्ट ऑल द थिंग ऑल ऑफ यू आर नोइंग, कॉटन इज कल्टिवेटेड इन ब्लैक सॉइल, इट नीड्स मॉइस्चर इन देयर रूट्स, इन देयर सॉइल, ओके, बट इट डज नॉट नीड moist climate in the atmosphere. In atmosphere, climatic condition should be dry. Atmosphere mein dryness honi chahiye, lekin inke roots mein, inke soil mein moisture hona chahiye. It's okay? This type of climatic condition is required by cotton. Kya short? Staple. स्टेपल यानी कि जीवन निर्वाह करने वाली फसलें, जैसे आपका गेहूं, चावल, मिलेट्स, ये स्टेपल आ गया। नॉन स्टेपल जिसको हम खाते नहीं हैं लेकिन वो क्रॉप्स इंपॉर्टेंट हैं, सच एज आपका कॉटन, जूट, नॉन स्टेपल है, फाइबर क्रॉप्स है ये। शॉर्ट टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड, अच्छा अच्छा शॉर्ट, जब के थोड़े टाइम पीरियड में जो कॉटन तैयार,
और लॉन्ग अच्छी क्वालिटी के कॉटन को तैयार होने में आपका 8 to 9 months लगते हैं, दैट इज लॉन्ग, इट्स ओके. बट वेन इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग 6 and 7 months से दैट इज शॉर्ट है. और इंडिया में ये दोनों ही क्वालिटी के कॉटन होते हैं, दोनों ही टाइप के कॉटन को कल्टिवेट किया जाता है. जो लॉन्ग टर्म के कॉटन से हैं, यस मुस्कान, जो लॉन्ग टाइम पीरियड के हैं, जो 8 to 9 months ले रहे हैं, देयर क्वालिटी इज गुड, इट्स ओके, इज इट फाइन, उनसे पूछो, ठीक है, हो गया. चलिए कॉटन कंप्लीटेड, नाउ कम टू जूट, कम टू जूट, मेक टेबल. नेम ऑफ क्रॉप जूट, सीजन खरीफ, सॉइल अलूवियल, सॉइल अलूवियल, हाँ सीजन खरीफ, सॉइल अलूवियल, आफ्टर दैट व्हाट इज दैट, हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड, क्लाइमेटिक कंडीशन हॉट एंड ह्यूमिड. टेम्परेचर 25 to 28, हाँ 25 to 30 or 28 एनीथिंग इज करेक्ट. रेनफॉल 100 centimeter, रेनफॉल 100, मिनिमम 100, मैक्सिमम नो लिमिट्स, मिनिमम 100 centimeter, रेनफॉल 100 centimeter, डन. पोजिशन सेक, पोजिशन नाउ फर्स्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी आर ऑन सेकेंड पोजिशन, बट नाउ फर्स्ट, यस पोजिशन फर्स्ट, इट्स ओके. एरियाज आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, मेघालय, ओडिशा, डेल्टा रीजन ऑफ ओडिशा, तराई रीजन ऑफ बिहार, फुटहिल्स ऑफ मेघालय, फ्लडी एरिया ऑफ आसाम एंड डेल्टा रीजन ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल. दीज आर द मेजर एरियाज वेयर जूट इज कल्टिवेटेड. जूट के पौधों के लिए पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, और जूट का हर प्रोसेस फ्रॉम इट्स कल्टिवेशन टू द नेक्स्ट द प्रोसेस व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू फाइबर वी नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर. जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर, जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर, इट्स ओके. There was a time when there was a great demand of jute, but after 1980s or 90s, demand of jute declined. Indian jutes were demanded in the Southeastern Asian countries, but after that, demand of jute declined due to the presence of synthetic fiber. Jute ka major use hota hai bori banane mein, रस्सी बनाने में, मैट बनाने में एटसेट्रा, जो कि आज उसका जगह आपका प्लास्टिक लेते ही जा रहा है. बट वंस अगेन इन दिस 21st century डिमांड ऑफ जूट इज इंक्रीजिंग इन वेस्टर्न कंट्रीज. व्हाई? बिकॉज जूट इज अ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट. जूट आपका सड़ गल जाएगा, मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, बट इज इट पॉसिबल विद प्लास्टिक? Is it possible with synthetic fibers? That's why once again Western countries are switching over towards jute. So demand of this jute is once again increasing instead of Southeastern Asian countries in the Western countries. It's okay? This is about jute. Now coming to the next crop, that is sugarcane. Industrial crop. We keep this sugarcane under the category industrial crop.
नेम ऑफ द क्रॉप इज सुगर केन. जस्ट लिसन टू मी. सुगर केन इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर. हार्वेस्टेड ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर. इट इज टेकिंग अप्रोक्सीमेटली 9 टू बिकम रेडी. 9 से 10 महीने लगते हैं सुगर केन को तैयार होने में, सुगर केन को मैच्योर होने में. लेकिन सुगर केन का प्रोडक्शन जो है फार्मर्स करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रीज. सुगर केन इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर सुगर मिल्स. इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर सुगर मिल्स. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एन इंडस्ट्रियल क्रॉप. इट इज नॉट नोन एज अ स्टेपल फूड. इट इज नॉट कॉल्ड और केप्ट अंडर सब्सिस्टेंस क्रॉप. क्यों? क्योंकि सुगर केन को हम खाने के लिए या अपने जीवन निर्वाह के लिए उत्पन्न नहीं करते हैं. इज इट फाइन? दैट इज द रीजन इट इज केप्ट अंडर. सो सुगर केन इज केप्ट अंडर खरीफ क्रॉप. किस कैटेगरी में हम रखेंगे इसको? ऑल्दो इसको मार्च अप्रैल में बोया जाता है जायद के टाइम पीरियड में, लेकिन क्योंकि इसको हार्वेस्ट किया जाता है खरीफ के टाइम पीरियड में और मेजर टाइम पीरियड यह खरीफ सीजन का लेता है, इसलिए हम सुगर केन को खरीफ क्रॉप में रखते हैं. इट्स ओके. सॉइल अलुवियल प्लस ब्लैक. अलुवियल प्लस ब्लैक दोनों ही सॉइल सुगर केन के लिए बहुत अच्छा है. ब्लैक ब्लैक इज एनी ग्रे सॉइल ऑल्सो. Is there any grey soil also? Have you learned about grey soil also? चलिए हो गया ब्लैक हो गया. इसके बाद क्या है बेटा? कौन सा? क्लाइमेटिक कंडीशन दैट इज वार्म एंड ह्यूमिड. ठीक है, इसको गर्म चाहिए. हॉट एंड ह्यूमिड भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, बट वार्म एंड ह्यूमिड यू कैन मेंशन. चलिए, और रेनफॉल चाहिए इसे. रेनफॉल चाहिए अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर, 100 to 150. रेनफॉल 100 to 150. जहां रेनफॉल नहीं है वहां पर सिंचाई करके इरिगेशन के द्वारा सुगर केन होता है, सच एज इन पंजाब हरियाणा. सुगर केन इज कल्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन. देन आफ्टर विच बॉक्स इट इज? टेम्परेचर 25 to 30, 25 to 27 also maximum places you will get 25 to 27, but you can mention 25 to 30. Rainfall I have already given you. Position second after Brazil. Position second after Brazil. First position Brazil, second position India. Areas: पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इन नॉर्दर्न इंडिया एंड इन सदर्न इंडिया कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. नाउबडी इट इज कल्टिवेटेड इन महाराष्ट्र ऑल्सो. यस, तमिलनाडु, हैव टोल्ड तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. Done? Completed? Yes or no? Ho gaya sugar cane bhi? So like this we have completed all those crops which are mentioned in your book. It's okay. I hope I can expect that these all different topics are very much clear. With the help of table, it's become easy for you to memorize all the different datas together. Book में आप इधर उधर ढूंढते रह जाते हैं, कुछ समझ में आता कुछ नहीं आता. एक बार आप इस टेबल को देखिएगा तो आप कंपेयर भी कर पाइएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा.
अगर आपको खरीफ और रबी का बेसिक डिफरेंस पता है, खरीफ और रबी का बेसिक डिफरेंस पता है कि कब बोया जाता है, कब हार्वेस्ट होता है, क्या टेम्परेचर चाहिए, क्या रेनफॉल चाहिए, रबी और खरीफ का अगर आपको पता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा इन क्रॉप्स के बारे में जानना समझना। क्यों? क्योंकि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वेदर द क्रॉप इज ऑफ रबी और खरीफ। वंस यू विल गेट इट कि अगर आपका वीट रबी क्रॉप है तो आप रबी क्रॉप के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग वीट के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख सकते हैं और वो आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, वो आपका रॉन्ग मार्क नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर अब मैंने आपको 25 to 27 सपोज दैट लिखवाया है और अगर आप 30 लिख दिए तो आपका गलत हो जाएगा। इट विल कंसिडर करेक्ट। इज इट क्लियर? तो ये रबी और खरीफ के डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उसको याद कर लीजिए। एक बार वो याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये टेबल में दिया हुआ सारा डाटा आपका विद इन अ डे यू कैन एबल टू मेमोराइज अबाउट ऑल प्लेसेस, अबाउट ऑल द डिफरेंट क्रॉप्स है जो भी आपने टेबल में लिखा है, जो इस चार्ट में आपने बनाया है। इट्स ओके। चलिए अब हम एक टॉपिक और कर लेते हैं। व्हाट इज द टाइम प्लीज टेल मी? 5 चलो ठीक है, 5 मिनट्स आर एनफ। एक टॉपिक से हम लोग कर लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सिंस इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद से इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या डेवलपमेंट हुआ? ठीक है, इन आवर कंट्री एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड अ लॉट। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर वेरी पुअर, हम बहुत गरीब थे, हमारे पास खाने को कुछ नहीं था और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम एक छोटा सा सुई भी बना सके। एक सुई भी बनाने की हमारी उस समय हैसियत नहीं थी। इस कंडीशन में हम थे आज़ादी के टाइम पे। तो उस समय सबसे बड़ा चैलेंज हमारे गवर्नमेंट के पास था, वो था लोगों की भूख को मिटाना। लोगों की भूख को मिटाना क्यों? क्योंकि उसके पहले भुखमरी बहुत ज़्यादा हो चुका था, लोग इतना ज़्यादा रेवेन्यूज पे करते थे कि उनके पास खुद के खाने के लिए भी बहुत कुछ नहीं बचता था। इट्स ओके। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे फोकस किया और एग्रीकल्चर पे फोकस करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आए, जिसमें आपका लैंड होल्डिंग था, आपका जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड हुआ कि जो जमीन बिखरे हुए हैं उन सबको एक साथ लाकर एग्रीकल्चर करना, ये सारे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। बट फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इम्प्रूवमेंट हुआ बट मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही रहा हमारा। ठीक है, एक मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने उसमें एक नया चीज जोड़ा, दैट वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, क्या किया गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। सेकंड में हुआ था बेटा, सेकंड 5 ईयर प्लान में ही। थर्ड में उसको फोकस किया गया उन एरियाज में जहां ये सक्सेसफुल हुआ। इंट्रोड्यूस हुआ था सेकंड 5 ईयर प्लान में ही, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा, वो फेल हो गया था। इसके बाद उसके फेलियर्स को फाइंड आउट करके थर्ड 5 ईयर प्लान में एक बार फिर से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि पंजाब हरियाणा एरियाज और वेस्टर्न यूपी में सक्सेसफुल रहा। समझ में आई बात? अदरवाइज ग्रीन रेवोल्यूशन को सेकंड 5 ईयर प्लान में ही लाया गया था, बाय द एंड ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान, नॉट इन द वेरी बिगनिंग। तो इस तरह से, और जिसके तहत हम हाई यील्डिंग सीड्स को कहां से लेकर आए, गेहूं के सीड्स को हम मैक्सिको लेकर आए, राइस के सीड्स को हम फिलिपिन से लेकर आए, इस तरह से डिफरेंट हाई येल्ड वैरायटी को हम लेकर आए और उसको फिर हम अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट एरिया कल्टीवेट कर किया एंड इट्स बिकम सक्सेसफुल। आफ्टर दैट डे वी गॉट सक्सेस इन द प्रोडक्शन एग्रीकल्चर क्रॉप से, इससे हमारा। लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम सक्सेसफुल नहीं रहे, सेकेंड 5 ईयर प्लान
तक जो है मिड तक वो उतना ही था कि लोग खा सके। इसीलिए जब 66-67 का अकाल पड़ा था, फेमाइन पड़ा था, जिसमें हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, नदन पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, वहाँ पर उनके पास कुछ नहीं था, तब गवर्नमेंट ने महसूस किया कि उन्होंने एग्रीकल्चर तो इम्प्रूव किया, लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर इस कंडीशन में इम्प्रूव नहीं हुआ है कि हमें सरप्लस में प्रोडक्शन कर सके। और तभी जो है फिर से 5 ईयर ये ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था और इस पर फोकस किया गया था, जहां पर न्यू मेथड ऑफ इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड से, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से, न्यू टेक्नोलॉजीज, मशीनरीज को इंट्रोड्यूस किया गया था इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एंड आफ्टर दैट वी बिकम सक्सेस, वी गॉट सक्सेस, एंड नॉट इन दिस ग्रीन रेवोल्यूशन, आफ्टर गेटिंग सक्सेस इन दिस एग्रीकल्चर, दे फोकस्ड इन अदर डिफरेंट एरिया विच इज ऑल्सो कमिंग अंडर दिस एग्रीकल्चर ओनली, दैट इज पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल रेयरिंग, विच इज ऑल्सो कम टू बी नोन बाई वाइट रेवोल्यूशन, उसको भी साथ साथ डेवलप किया गया, ठीक है। और इन वाइट रेवोल्यूशन गुजरात में ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, और यही वजह है कि आज भी दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात स्टेट में होता है, अमूल जैसा प्रोजेक्ट है। और आपका डेयरी इंजीनियरिंग जो है सिर्फ आपका आनंद, आनंद इज द नेम ऑफ, डू यू नो वट इज द फुल फॉर्म ऑफ अमूल, कैन एनीवन टेल मी वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ अमूल? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, एब्सोल्युटली इट इज करेक्ट। पहले ये उद्योग लिमिटेड था, आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड, उद्योग से इसको बाद में चेंज किया गया और यूनियन लिमिटेड कहा गया। आनंद इज द नेम ऑफ अ प्लेस, आनंद एक जगह का नाम है, गुजरात में एक जगह है जहां पर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज, इंडिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज। एनीवेज, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ अमूल। चलिए, तो इस तरह से ये सारे चीज सक्सेसफुल हुए और हमारी कंट्री इंडिया में आपका एग्रीकल्चर इम्प्रूव हुआ। 1980s तक हम लोग फिर जो है इस कंडीशन में आ गए कि हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। इसके बाद गवर्नमेंट ने एरियाज को टारगेट करना शुरू हुआ किया जहां पर एग्रीकल्चर अभी भी सब्सिस्टेंस था, और फिर उस एरिया में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया जाना शुरू हुआ, जिसमें हमारा बिहार, वेस्ट बंगाल रीजन भी आ जाता था। एंड टुडे अवर दिस एरिया इज ऑल्सो गेटिंग सक्सेस इन द सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ ए एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। लाइक दिस दिस एग्रीकल्चर हैज इम्प्रूव्ड विद द पासिंग ऑफ टाइम इन अवर कंट्री इंडिया सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टिल द प्रेजेंट टाइम पीरियड। इट्स ओके। और इसके सक्सेसफुल होने में मेजर रोल रहा है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक मेथड। किसका रोल रहा है? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक मेथड। टेक्नोलॉजीज में हम लोग बात करें तो न्यू मशीनरी टूल्स, जिसमें हार्वेस्टर, थ्रेशर, क्रेशर, ठीक है, ये सारी जो है आपके आज के डेट में बीज बोने से लेकर हार्वेस्टिंग तक के विनोइंग, जो हम लोग घास को चुनते हैं दैट इज कॉल्ड बाई विनोइंग, वो सारा काम जो है आपका। इसके बाद फिर विपिंग, जो आपको दानों को सेपरेट करता है उसके भूसा से, इसको कहते हैं विपिंग। ये सारा काम आपका मशीन से होता है। दिस इज द रोल ऑफ मशीनरीज। एंड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दिस मशीनरी, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मशीनरीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, अवर एग्रीकल्चर हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। इट्स ओके। नाउ ओनली वन टॉपिक इज लेफ्ट विच आई विल कंप्लीट इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास दिस चैप्टर विल फिनिश। इट्स ओके नाउ। दैट इज प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है। इंडियन फार्मर्स कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप लिया है टू रिमूव दोज प्रॉब्लम्स, टू कम ओवर फ्रॉम दोज प्रॉब्लम्स। इज इट फाइन? और अगर हो सकेगा तो ये टॉपिक बहुत आसान है, उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग नया चैप्टर भी शुरू कर लें।